मैं वही तो समझाना चाहना तुहानू जी को दस महीनिया बाद तुहानू पता हूं मैं की कहां इत्थे जी कई काम हो जाते ने दसा महीने च जी दसा महीने बाद सवाल लाया तो दसा कि मैं तो तुहानू सजेशन देना चाहना दुरुस्त है। बाजवा साहब ने जिहड़ी गल कीती बिलकुल जेनुइन है, पर जिहड़ी प्राइवेट कंपनी आ ओह लगभग 2 करोड़ दे करीब उन्होंने सिक्योरिटी दी आ जी उत्थे एयरपोर्ट था की आ नाल जी बस लागे उन्हां दी खड़दी आ एयरपोर्ट दे 35 to 40 लाख रुपया हर मंथ दा उन्हां नूं जिहड़ा किराया पे करदे आ। उह असीं भी कोशिश कर रहे हां भी साडी भी बस उत्थे आवे सरकारी तौर ते, कोई साडी जिहड़ी राशि आ उह घट आवे ते असीं भी उत्थे बसां खड़ियां करिए जिहड़ियां आउण वाले यात्रियां नूं दिक्कत ना आवे। जिहड़ी 500-400 गज ते जांदी आ बस खड़दी आ उह लागे खड़े। थैंक यू जी जी बाजवा जी। चलो तुसी करो रहे। देखो मेरी एको बेनती तुहाडा कन्वीनर उदो इनू माफिया दसदा सी ते माफिया ते तुहाडे को बंद नहीं होया 1.5 साल हुण ओही गल आपां पुराणी ते आ गए असीं अजे कोशिश कर रहे। दिल्ली में तुहाडी गवर्नमेंट पंजाब तुहाडी गवर्नमेंट की रोक की रुकावट है मंत्री जी जी मंत्री जी तुसी जान बुझ के इंडो कैनेडियन मौका दे रहे पैसे जिहड़ियां चल रही जी किराया वाकई इन्हां दी गल सही 3 गुणा ज्यादा है। जदों दी अपनी बस एयरपोर्ट नूं चली आ उन्हां दा किराया घट के भी अपने तो थोड़ा ही वध रह गया किराया तो भी घट गया उन्हां दा जिहड़ा किराया उन्हां दा 3 गुणा है। राजा जी ਤੇਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ यार हुण यार गल करन दिओ तुहाडे तुहाडे मार्फत मारियो मैंबर साहब उन्हें मैंबर साहब नूं गल कर एकदा बंदे कह बैठे आ कोई गल नहीं तुसीं हुण गल तां सुण लो तुहाडी जी तुहाडी मार्फत मैं मंत्री साहब नूं पुछना चाहुंदा माफिया नूं तोड़न वास्ते इंडो कनेडियन दी मोनोपली तोड़न वास्ते जिवें कि वह 4000 रुपया साडे NRI भरावां तो जां दिल्ली जाण वाले तो लैंदे सन उन्हां दी मोनोपली तोड़न वास्ते तां असीं दिल्ली नूं बस चलाई सी। मंत्री साहब ने यह जवाब दिता कि वह 2 करोड़ रुपया भरदे है जिहड़ा एक माफिया है चंद बसां दा मालक उह सरकार तो वड्डा हो गया वह एयरपोर्ट अथॉरिटी नूं 2 करोड़ रुपया भरदा है। हालांकि यह भी गल गलत कही गई भी 40 लाख रुपया उत्थे बस खड़न की फीस भरदा है बिल्कुल नहीं है, पर मैं यह भी गल मान लेना कि सरकार तो माफिया इन्ना वड्डा हो गया कि वह मन गया भी टिकट उन्हां दी ज्यादा है इस बावजूद टिकट ज्यादा है साडी बस से चढ़ने लई कोई तैयार नहीं इहदा मतलब साडे च कमी है। तुसीं एक बस नूं झंडी दे के विखाता भी हुण सारा माफिया तोड़ता ते पंजाब दे लोकां नूं सहूलत मिल गई अज फिर पंजाब के लोग उन्हां माफिया दीआं बसां ते चढ़ने लई मजबूर है कि बस साडी उत्थे जाण ते कि 2 करोड़ रुपया है नहीं क्योंकि खजाना भी भरिया पिया ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਡਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 27 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 27 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। अपनी बस चली नूं लगभग 1.25 साल होया पहला बंद रही पिछली सरकार दे विच पिछली गौरमेंट दे विच अपनी बस चली ते 1.25 साल दे विच 42,31,32,299 रुपये आपां नूं आए आ। हुण बसां अपणियां 27 उह भरियां ही आउंदियां भरियां जांदियां बाकी सवारी वेखो जिहड़ी कोई भी ट्रांसपोर्ट चलदी आ जां कोई फ्लाइट आउंदी आ सवारी ने ते चढ़ के आपदी मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना जी। चलो हुण तुसीं बैठो बाजवा जी का सवाल है बाजवा जी सप्लीमेंटरी लै लीए बाजवा जी कुछ कहना चाहते हो।
गल आप फिर उ आ गई है क्योंकि एक इलीगल सवाल सी जवाब देता उ गल असे देखो मैं बड़े खेद बैठो सारे बैठो मैं बड़े खेद ना कहना चाहना कि इस पवित्र सदन दे विच मानयोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन वालों लाया गया सवाल ही इलीगल है कमाल की गल है बिल्कुल इलीगल नहीं लीगल सवाल है जेड़े भी सवाल लाए हैं नथिंग डूइंग कृपा करके पंजाब के लोगों का समा बर्बाद आप ना करिए गल हुई